नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में इस वक्त मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया और बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया। बात करें गेंदबाजी की तो कोलकाता के लिए टीम साउदी ने बेहतरीन गेंदबाजी की। टीम साउदी ने अपने कोटे के 4 ओवर में 24 रन देकर के 3 विकेट चटकाए। उनका इकनोमी मात्र 6 का रहा। इसी के साथ उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा डॉट गेंदें फेंकी। उन्होंने 11 डॉट गेंदें फेंकी। बात करें विकेट्स की तो टीम साउदी ने गुजरात के ओपनर शुभमन गिल को चलता किया। शुभमन गिल गुजरात के 8 रन पर पवेलियन को वापस लौट गए और पहली ही गेंद पर टीम साउदी ने उन्हें आउट किया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो कि खतरनाक साबित हो रहे थे, उन्हें भी टीम साउदी ने पवेलियन की राह दिखाई और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए उन्हें भी आउट किया। इसके अलावा बात करें राशिद खान की तो उसी ओवर में राशिद खान को भी टीम साउदी ने आउट किया और 1 ओवर में 2 विकेट चटका करके गुजरात की कमर तोड़ दी। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए टीम साउदी ने 3 विकेट लिए और सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले कोलकाता के लिए इस मैच के गेंदबाज बने। बहरहाल आपको बता दें कि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोलकाता जीत पाता और 3 हार की हैट्रिक को बदल पाता है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।